अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर आम लोगों पर हमला कर देता है और कहता है, मुझे रेप्टाइल्स पसंद है, इसलिए मैं खुद एक रेप्टाइल बन चुका हूँ। मेरा नाम है टंग स्ट्रेचर। और उसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और वो मॉन्स्टर सभी लोगों पर हमला कर देता है और इसका अटैक एक लड़की को लगने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एस क्लास हीरो किंग वहाँ पर आ जाता है। और तभी पब्लिक में से एक बंदा बोलता है, अरे ये तो किंग है, ये दुनिया में सबसे शक्तिशाली हीरो है, अरे भाई बच गए हम लोग। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और उसे चीयर करने लगते हैं। और ये मॉन्स्टर भी किंग के ऑरा को कर डर जाता है और गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांगने लगता है। अरे सर माफ कर दो, मुझे गलती होगी। और किंग उसे माफ कर वहाँ से चला जाता है। अब किंग एक वीडियो गेम शॉप पर जाता है और वहाँ से एक वीडियो गेम खरीद कर लेकर आता है। जेनोस और सैतामा भी शॉपिंग कर ही आ रहे होते हैं और घर की तरफ जा रहे थे। और तभी अचानक से जेनोस की नजर किंग पर पड़ती है और वो लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा रोबोट किंग के सामने आ जाता है और किंग को स्कैन करते हुए बोलता है, तो मैं इस क्लास के हीरो किंग होना, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और तभी किंग उसे बोलता है, अबे ओ, तू दुनिया के सबसे स्ट्रांगेस्ट आदमी को फेस करना चाहता है, पागल वागल हो गया तू, चला जाए यहाँ से। और अब ये रोबोट अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और बोलता है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी ताकत से लड़ो। और अब थोड़ी देर तक ये किंग सोचता है अपने मन में कुछ और बोलता है, मैं अपनी पूरी ताकत से तुमसे लड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी मुझे बाथरूम आया है बहुत तेजी से, जब मैं इसे रोक कर रखता हूँ ना तो मेरी पावर आधी हो जाती है। तू 10 मिनट रुक बेटा, मैं सूसू करके आता हूँ फिर तेको बताता हूँ। और वो रोबोट इसके लिए मान जाता है और कहता है, ठीक है मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करता हूँ, अगर तुमने 10 मिनट से ज्यादा टाइम लगाया तो 10 मिनट बाद हर एक मिनट पे एक इंसान की जान जाएगी, जल्दी आना। अब अगले सीन में हम किंग को देखते हैं जो कि एक वॉशरूम में होता है और खुद से बोलता है, ये मेरे साथी क्या होता भाई, मैं कोई ऐसे रैंक हीरोइन नहीं, मैं तो एक छपरी नला बेरोजगार हूँ और चप्पल चोर भी, मैं जहाँ भी जाता हूँ ये मॉन्स्टर्स आ जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पर उन्हें कोई और हरा देता है, हमेशा हर बार ऐसे होता है और मुझे इसका रियलाइज होता है, इससे पहले उन्होंने मेरे को एस क्लास हीरो बना दिया एक, और सारे लोग मेरे को किंग किंग कहकर बुलाने लग गए, स्ट्रांगेस्ट हीरो, क्या करूं भाई अब। तो गाइस दरअसल इस बंदे के पास कोई पावर वावर नहीं है और एक गलती से हुई मिस्टेक की वजह से ये एस क्लास में पहुंच चुका है और असली में ये बंदा एक डरपोक आदमी है। और अब ये बंदा अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और भागते भागते एक जोरदार धमाका होता है और हम देखते हैं कि जेनोस उस रोबोट से भिड़ चुका है। जेनोस हवा में उड़कर उस रोबोट के स्वॉर्ड के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। साइतामा उसे बोलता है, ओए जेनोस हेल्प करूं क्या तेरी, लेकिन जेनोस उसे मना कर देता है कोई भी हेल्प लेने से। और साइतामा उसे बोलता है, ठीक है भाई मर्जी है तेरी, चल भाई मैं बीजीएम में खेल रहा हूँ, जल्दी आ जाओ घर पे ना, ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त, चक दे फट्टे। और साइतामा वहां से जाने लगता है। अब इसके बाद हम किंग को देखते हैं जो कि भाग कर अपने घर पहुंच जाता है। शुक्र है भाई सही सलामत आ गया मैं घर पे, कितना डरावना था वो रोबोट, आज रात मुझे नींद नहीं आने वाली लग रहा है, खैर चलो मैं गेम खेल लेता थोड़ी देर और सब भूलने की कोशिश करता हूँ। और हम देखते हैं कि किंग एक कुड़ियों वाला गेम लेकर आ रखा था। ओ भाई क्या आदमी है ये। अब गेम शुरू हो जाती है और ये बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है गेम खेलने के लिए और गेम में एंटर करने के लिए एक गेमिंग नेम सोचने लग जाता है। और तभी पीछे से साइतामा वहां पर आ जाता है और बोलता है, किंग नाम बढ़िया रहेगा। और जैसे ही किंग पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि साइतामा वहां पर बैठा हुआ है उसके पीछे और साइतामा भी इसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। किंग उससे पूछता है, अबे टकले तू कौन है, अंदर कैसे है तू, पुलिस को कॉल कर दूंगा, तुम ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते, तुम्हें पता नहीं है मैं एक एस क्लास हीरो हूं। और तभी किंग को याद आता है कि साइतामा एक क्लास बी हीरो है, इसको तो इसने हीरो एसोसिएशन वाली मीटिंग में देखा था वहां पे। और साइतामा वो लड़के वाला गेम देख लेता है और किंग से कहता है, अबे ये क्या, ये तो कुड़ी वाला गेम है। और किंग शर्मा कर हड़बड़ाहट में झूठ बोलने लगता है साइतामा को, अरे ये तो गलती से ले, मैं अरे गलती से लेता ये, नहीं नहीं नहीं। और अब ये दोनों वो गेम खेलने लग जाते हैं और इस तरफ जेनोस और वो रोबोट आपस में फाइट कर रहे होते हैं और जेनोस उस पर अपने फायर वाले अटैक इंसिनरेट का इस्तेमाल करता है जिससे कि उस रोबोट के मेटल के पार्ट्स पिघलने लग जाते हैं। जेनोस को लगता है कि वो जीत गया लेकिन तभी अचानक से उस पिघले हुए रोबोट के अंदर से कोई बाहर निकलता है और इस तरफ साइतामा और ये किंग वीडियो गेम खेल रहे होते बैठे। और किंग अपने मन में कहता है, अबे कब जाएगा ये टकलू, शिट यार कहां फंस गया मैं। और तभी साइतामा बोलता है, ओए तू वहां से भागा क्यों था, तेरी जगह जेनोस लड़ रहा अभी वहां पे, शर्म वरम है कि नहीं तेरे को, मैं यही पूछने आया था तेरे से, बैठा वीडियो गेम्स खेल रहा है यहां पे है। और ये सुनकर किंग घबराकर पसीने पसीने हो जाता है और तभी इन्हें एक अनाउंसमेंट की आवाज सुनाई देती है, सिटी एम को जल्दी से जल्दी खाली कर दो, एक जायंट बर्ड ने शहर पर हमला कर दिया है। और तभी वो बड़ी सी बर्ड सीधे किंग की बिल्डिंग पर जाकर टकराती है जिससे कि वो बिल्डिंग टूट जाती है लेकिन साइतामा ने उस बर्ड को एक ही हाथ से रोक रखा होता है। शायद तुम्हें कुछ बात है, ये सारे मॉन्स्टर्स जहां पर तुम होते हो ना वहीं पर आते हैं, आजा भाई फाइट कर। पर किंग उस बर्ड को देखकर डर जाता है बहुत बुरे तरीके से और मन ही मन सोच रहा है, भाई कहां फंस गया यार, मैं हमेशा फंस जाता हूं ऐसी, मैं तो दूर भागता हूं भाई मॉन्स्टर से और कोई ना कोई मेरी जगह पर आकर इसको हरा देता है हमेशा, लगता है मेरे को सब कुछ सच बता देना चाहिए अब। और वो चीख कर सब कुछ बताने लगता है साइतामा को और तभी वो बर्ड अटैक कर देती है लेकिन अगले ही सेकंड में वहां पर कोई भी नहीं होता सिवाय साइतामा के और साइतामा ने एक ही पंच में उस बर्ड मॉन्स्टर को मार दिया था। किंग ये देखकर हैरान रह जाता है और सोचने लग जाता है, अरे कहां गई वो बर्ड। और साइतामा समझ जाता है कि ये बात बिल्कुल सच है कि एक नंबर का फटुआ है और किंग से कहता है, अरे भाई तू तो लूजर एक नंबर का, तूने मेरे से झूठ कहा है झूठे। और ये सुनकर किंग फ्लैशबैक में चला जाता है और उसी दिन के बारे में सोचने लग जाता है जब उस पर पहली बार किसी मॉन्स्टर ने हमला किया था जिसके बाद से उसके चेहरे पर एक पंजे का निशान आ गया था और उसी दिन उसे एक बंदे की आवाज आई जिसने उसे कहा, दोस्त क्या तुम ठीक हो, मैंने उस मॉन्स्टर को मार दिया है। और उस दिन जिस बंदे ने इसकी हेल्प की थी वो कोई और नहीं बल्कि साइतामा ही होता है और वो जोर जोर से रोने लग जाता है और साइतामा उसे कहता है, अबे रोतड़ू तू सबके लिए एक हीरो है समझा कि नहीं समझा तू, अब इस झूठ को छोड़ के ना सच में स्ट्रांग हो जा, जिम मार जिम, बस मेरी तरह टकला ना हो जाइयो। और इतना बोलकर साइतामा वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ जेनोस उस रोबोट को हराकर उसका पार्ट डॉक्टर कुसानो के पास लेकर आता है और उसे बताता है कि ये G4 नाम के एक रोबोट
रोबोट का है जिसके पास बहुत ही एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी मौजूद थी। पर अगर इसमें से कोई उसके काम की चीज है तो उसे ढूंढ कर जेनोस की बॉडी में लगा दे ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। इसके बाद हम क्लास बी की रैंक 1 की हम हेलिश ब्लिजार्ड नाम की एक लड़की को देखते हैं और ये लड़की अपने दो बॉडीगार्ड्स के साथ होती है और उन्हें साइतामा की प्रोफाइल दिखाती है और अपने बॉडीगार्ड से बोलती है इसकी प्रोफाइल पे मत जाओ, इस अकेले ने हीरो एकेडमी के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था, हमें पता लगाना होगा कि ये रहता कहां पे है। और दूसरी तरफ हम हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं जहां पर एक बंदा सारे के सारे क्रिमिनल्स से बात कर रहा होता है कुछ कि धरती को बचाने के लिए हम सबको साथ मिलकर काम करना होगा। इस वक्त इनके पास बहुत ही कम हीरोज हैं जो कि बढ़ते हुए खतरों का सामना करने के लिए काफी नहीं है। और तभी गारो नाम का एक विलन वहां पर आ जाता है और बोलता है तुम बस हमारा यूज करना चाहते हो। इस बंदे का नाम है गारो और ये वही सिल्वर फैंग का भागा हुआ स्टूडेंट है जिसके बारे में हमने पिछले पार्ट में बात की थी। गारो वहां पर मौजूद सभी लोगों को उससे फाइट करने का चैलेंज देता है और वहां पर मौजूद ए क्लास के तीनों हीरोज को मैजिक ट्रिक मैन ब्लू फायर और हैवी टैंक लॉयन मैन को बुरी तरह से मार गिराता है और बोलता है मैं इंसान के रूप में एक मॉन्स्टर हूं। और इसके बाद उस पर हमला करने वाले सभी विलन्स को भी वो एक एक करके मारता जाता है और आखिरी में उसने उस कमेंटेटर को छोड़ दिया ताकि बंदा पूरी दुनिया को जाकर मैसेज दे दे कि गारो नाम का एक डेविल धरती पर आ चुका है। और इतना बोलकर गारो वहां से चला जाता है। अब इसके बाद हम ब्लिजार्ड को अपने उन्हीं दो बॉडीगार्ड्स के साथ देखते हैं और ये साइतामा के घर की तरफ जा रहे होते हैं और ये साइतामा अपने घर पर बैठा बीजीएमआई खेल रहा था। तभी जेनोस को किसी के आने की फीलिंग होती है और हम देखते हैं कि सोनिक टॉनिक साइतामा के घर पर आ चुका है और बोलता है मैं साइतामा को दोबारा से चैलेंज करने आया हूं, उस टकलू को बोल बाहर निकल। ये सुनकर जेनोस को गुस्सा आ जाता है कि ये साइतामा को टकलू कैसे बोल रहा है और जेनोस सोनिक को पहले उससे लड़ने का चैलेंज देता है। और इस तरफ घर में साइतामा देखता है कि उसने गलती से किंग का सारा डेटा उड़ा दिया है और तभी साइतामा के घर की डोरबेल बजती है और उसे लगता है कि बाहर कोई सेल्समैन खड़े हैं और बोलता है छुट्टे नहीं अभी छुट्टे नहीं है जाओ 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 हो स्त्री कलाना। और इस लड़की का असली नाम होता है फुबुकी और ये उसे बताती है कि क्लास बी की रैंक 1 की हीरो है लेकिन साइतामा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता और उसे कहता है ये कौन है अबे कौन है तू देखो नहीं जानता मैं। और ये सुनकर उसके बॉडीगार्ड्स को गुस्सा आ जाता है लेकिन फुबुकी उन सभी को शांत रहने के लिए कहती है और साइतामा को बोलती है कि साइतामा को उसका ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि ये लोग क्लास बी में और ऊपर पहुंच सके। लेकिन ये सब बातें साइतामा के ऊपर से जारी होती है और साइतामा उन्हें मना कर देता है ना भाई ना उनका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। ये सुनकर फुबुकी को गुस्सा आ जाता है और अपने दोनों बॉडीगार्ड्स को साइतामा पर हमला करने के लिए बोल देती है लेकिन साइतामा ने एक ही मुक्के में उन दोनों को ढेर कर दिया और एक बंदा जाता है झाड़ियों में सीधा और एक टायरों के बीच में आकर फंस जाता है। फुबुकी ये देखकर हैरान रह जाती है और अब खुद साइतामा से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। फुबुकी के पास टेलीकिनेसिस की पावर होती है जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा तूफान आने लग जाता है जिसमें साइतामा भी उड़ जाता है। फुबुकी अब मन ही मन खुश होने लगती है कि उसने साइतामा को हरा दिया लेकिन तभी वो देखती है कि साइतामा उसके अटैक से बचकर ठीक उसके पीछे खड़ा है और फुबुकी उस पर तलवार से हमला करने लगती है लेकिन तभी साइतामा को सोनिक और जेनोस की झलक दिखती है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और जेनोस बोलता है गुरुजी मुझे माफ कर देना मैं तो इसे काफी दूर लेकर आया था लेकिन फिर भी मैं आपके घर के सामने आ गया ना सॉरी यार। फुबुकी देखती है कि ये तो जेनोस है क्लास एस रैंक का हीरो ये साइतामा के साथ क्या कर रहा है और फुबुकी साइतामा से पूछती है साइतामा तुम इसे कैसे जानते हो और जेनोस फुबुकी को बताता है ये मेरे गुरुजी हैं मैं इनका स्टूडेंट हूं। और ये सुनकर फुबुकी हक्की बक्की रह जाती है कि एक क्लास एस रैंक का हीरो क्लास सी वाले का स्टूडेंट कैसे हो सकता है भाई ये क्या मजाक चल रहा है। अब इसके बाद सोनिक वहां पर आ जाता है और साइतामा से कहता है ध्यान से देखना साइतामा मैं तुम्हारे चेले को कैसे मारता हूं। और जेनोस भी अपनी पावर्स को बढ़ा देता है और साइतामा से कहता है गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए आज के बाद ये बंदा आपको कभी नहीं दिखेगा। अब उन दोनों के बीच में एक खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच हम लोग देखते हैं कि जेनोस ने सोनिक की चोटी काट दी जिससे कि सोनिक और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब लास्ट में सोनिक फोर फोल्ड फ्यूनरल नाम का एक अटैक यूज करता है जिसमें कि वो इतना तेज भाग रहा होता है कि वहां पर एक ही बजाय पांच पांच सोनिक्स नजर आ रहे थे। जेनोस को कुछ भी समझ नहीं आता कि असली वाला सोनिक कौन सा है तो अब वो सोनिक को खत्म करने के लिए उस पूरे के पूरे इलाके को ही उड़ाने के बारे में सोचता है। और फिर साइतामा भी अपने किलर मूव सीरियस साइड जंप्स लगाता है और वहां पर सैकड़ों क्लोन्स दिख रहे होते हैं साइतामा के। सोनिक फुबुकी और जेनोस तीनों के तीनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं और सोनिक फिर से साइतामा से हार जाता है। फुबुकी ये सब देख रही होती है और वो सोचती है कि ये साइतामा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है भाई। अब ये तीनों साइतामा के घर जाते हैं और फुबुकी उन्हें अपने बारे में बताती है और बताती है कि अपनी बहन की वजह से वो कभी भी नंबर 1 पर नहीं आ पाई इसलिए वो हमेशा से क्लास बी की रैंक 1 पर ही रहती है। और तभी घर की डोर बेल बजती है और जेनोस देखता है कि किंग साइतामा से मिलने आया है और किंग बहुत ही गुस्से में साइतामा के पास आता है और उसे कहता है ओए साइतामा तूने मेरी गेम चुरा ली ना मैं गुस्सा नहीं हूं तेरे पे बस मेरे को मेरी गेम वापस कर दे यार। और साइतामा उसको इग्नोर करते हुए मांगा पढ़ने लग जाता है और कहता है हैं अबे मैंने थोड़ी लिया भाई मुझसे क्या पूछ रहा है हट मेरे पास नहीं है सॉरी भाई किंग यार मैंने गलती से तेरा सारा का सारा डेटा उड़ा दिया। और किंग देखता है कि उसकी वीडियो गेम के सारे बटन से साइतामा ने तोड़ दिए खेल खेल कर जिसकी वजह से इसका मुंह अब रोने जैसा हो जाता है। ये सब देखकर फुबुकी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है कि दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट मैन किंग खुद साइतामा के पास आकर चड्डी बड्डीज की तरह बिहेव कर रहा है ये कैसे हो सकता है भाई। और अब फुबुकी जो कि साइतामा को पहले अपनी टीम में शामिल करना चाहती थी वो खुद अब साइतामा की टीम में शामिल होना चाहती है। इधर हीरो एसोसिएशन जेनोस का सिग्नेचर नेम डीमन साइबॉर्ग रखती है और साइतामा का कैप्ड बाल्डी यानी कि टकलू पहलवान। और अब इसके बाद हम मिस्टर फेंग का डोजो देखते हैं। चलांगो नाम का एक स्टूडेंट वहां पर होता है और घायल जमीन पर पड़ा होता है और मिस्टर फेंग डोजो से उसे निकाल देते हैं ये कहकर कि वो दोबारा यहां पर कभी ना आए। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और चलांगो जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसे खुद को साबित करने के लिए गारो को ठिकाने लगाना ही होगा। और तभी उसे कुछ आवाज आती है और हम देखते हैं कि वहां पर गारो खड़ा होता है मूवमेंट राइडर के सामने और गारो मूवमेंट राइडर को बस मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर क्लास ए का टैंक टॉप टाइगर
लेकर वहाँ पर आ जाता है अपनी गैंग को लेकर और गारो से पिछली बार की हार का बदला लेने आए होते हैं यहाँ पर। और गारो मोमेंट राइडर को छोड़कर इनके पीछे पड़ जाता है और उन सभी को पेल देता है। और उसके बाद टैंक टॉप मास्टर वहाँ पर आ जाता है इन सभी का मास्टर और एक ही मुक्के में गारो को दूर धकेल देता है। गारो से देखकर पहचान जाता है कि बंदा क्लास एस का हीरो है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो बहुत टाइम से एस क्लास हीरो से लड़ने के लिए वेट कर रहा था। और तभी टैंक टॉप मास्टर नीचे रोड पर एक पंच मारता है और पूरी की पूरी रोड को ही तोड़ दिया और फिर उसने गारो पर अटैक किया। अब इसके बाद हम मिस्टर फैंक के डोजो में देखते हैं जहां पर उन्हें मिलने के लिए एक और मार्शल आर्टिस्ट आता है। इस बूढ़े आदमी का नाम है बॉम्ब और ये दोनों गारो को रोकने के बारे में डिस्कस करते हैं। और सिल्वर फैंक बॉम्ब से कहते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि गारो इतना स्ट्रांग बन चुका है। और इस तरफ टैंक टॉप मास्टर अपना सबसे ज्यादा खतरनाक पंच लेकर आता है गारो के सामने, लेकिन गारो एक मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करता है, टैक्स की बौछार कर देता है। टैंक टॉप मास्टर को समझ आ जाता है कि गारो अभी तक अपनी असली पावर्स को छुपा रहा था और फिर एक ही करके ये गारो सभी को मारने लग जाता है और उनकी हालत खराब कर देता है। और चेलेंगो जो अभी तक झाड़ियों में छुपा हुआ ये सब देख रहा था वो भी गारो पर हमला कर देता है, मगर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। अब इसके बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहां सभी के सभी घायल हीरोज एडमिट होते हैं और साइतामा वहां पर मूवमेंट राइडर से मिलने आया होता है और साथ में वो कुछ केले भी लाया था। उन केलों को टेबल पर रखता है और खुद ही खाने लग जाता है उन केलों को। और तभी एक बंदा वहां पर बोलता है, वो बहुत खतरनाक आदमी है, लगता है मिस्टर सिल्वर फैंग ने एक गंदा मॉन्स्टर पाल रखा था। और तभी साइतामा भी इसे भी एक केला देता है और गारो के बारे में पूछता है उससे। इधर पार्क में एक बच्चा सभी हीरोज पर बनाई हुई एक बुक पढ़ रहा होता है और अचानक उसके पीछे गारो आकर बैठ जाता है और उस बुक को पढ़ने लग जाता है। इस बुक में सभी हीरोज की जानकारी लिखी हुई थी और गारो को उस बुक से पता चलता है गोल्डन बॉल के बारे में। ये बंदा क्लास ए का मेंबर है और रैंक 26 पर है। अब गारो उसके पास जाता है और उसका जो बियर वाला जो उसका ग्लास होता है उसको बीच में से तोड़ देता है और उसे एक फाइट के लिए चैलेंज करता है। अब गोल्डन बॉल गारो को एक सुनसान गली के अंदर लेकर जाता है। गली में पहुंचते ही गोल्डन बॉल गारो पर हमला कर देता है बुलेट से और बोलता है, तुम वही हो ना जिसने सभी के नाक में दम कर रखा है, आज नहीं बचता बेटे तो। और गोल्डन बॉल उस पर अपनी बुलेट से हमला कर देता है, लेकिन गारो उसके सभी के सभी हमलों से बच जाता है और उसकी एक भी बुलेट गारो को नहीं लगती क्योंकि गारो बहुत ही ज्यादा तेज होता है। अब इससे पहले कि गारो गोल्डन बॉल पर हमला करता उससे पहले ही स्प्रिंग मुस्टैच वहां पर आ जाता है। यही मुच्छड़ है जिसे हमने पहले पार्ट में देखा था। अब ये बंदा उस पर हमला करता है जिसकी वजह से गारो का फेस कट जाता है थोड़ा सा। अब इसके बाद स्प्रिंग मुस्टैच उस पर बहुत सारे हमले करता है लेकिन उसका एक भी अटैक कामयाब नहीं रहा और गोल्डन बॉल की आंखों के सामने सामने स्प्रिंग मुस्टैच अधमरा हो जाता है। अब गारो उन दोनों को पीट देता है और वो गली छोड़कर मार्केट की तरफ चला जाता है। अब गारो एक दुकान के बाहर खड़ा होता है और सोच रहा होता है, अरे क्या यार ये कितनी बोरिंग लाइफ है, कोई टिकता ही नहीं मेरे सामने, क्या यार। और तभी उसे पीछे से आवाज आती है, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। गारो पीछे मुड़ता है और देखता है कि साइतामा उसके पास खड़ा है, पर गारो उसे नहीं जानता था और इसे लगता है कि ये साइतामा कोई छोटी रैंक वाला हीरो होगा, कोई फिसड्डी है ये। और वो साइतामा पर एक जोरदार चॉप मारता है जिससे कि साइतामा के नीचे की जमीन टूट जाती है, लेकिन साइतामा को उसके इस हमले से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। गारो ये देखकर हैरान रह जाता है और फिर वही सेम अटैक साइतामा उस पर करता है और गारो नीचे जमीन पर गिरकर बेहोश होने लगता है और बेहोशी में देखता है आखिरी बार कि साइतामा एक विग खरीदने आया होता है वहां पर। अब इसके बाद साइतामा उस विग को खरीद लेता है और घर लेकर आता है और शीशे में खुद को देखने लग जाता है। जेनस को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और अपने डॉक्टर कुसानो को कॉल करता है और बोलता है, हेलो सर, मास्टर साइतामा के सिर पर हमने नकली बालों का ट्रांसप्लांट करना होगा, ये पागल हो गए हैं। और साइतामा उसे बोलता है, अबे ओ जेनस थप्पड़ ना खा ले मेरे से। और साइतामा उसे बताता है कि उसने ये विग इसीलिए ली है ताकि वो चेलेंगो बनकर सुपर फाइट टूर्नामेंट में हिस्सा ले सके। और दूसरी तरफ हम गारो को देखते हैं जो कि कचरे के ढेर में पड़ा होता है बेहोश, और तभी उसकी नींद खुलती है। गारो को कुछ भी याद नहीं होता कि लास्ट नाइट उसके साथ क्या हुआ था और वो यहाँ पर कैसे आया। पर दूसरी तरफ हम साइतामा को देखते हैं जो कि उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आ चुका है वहाँ पर, और साइतामा सोलफेस नाम के एक बंदे के साथ बैठा होता है वहाँ पर। और सोलफेस उसे बताता है, हाँ तो चेलेंगो वुल्फमैन नाम का एक फाइटर पिछली बार चैंपियन बना था और उसने सभी को बुरी तरह से मार दिया था, पर मैच खत्म होने के बाद सभी लोगों को पता चला कि असली वुल्फमैन तो बेहोश होकर एक लॉकर में बंद था और वो बंदा उसका नाम यूज करके यहाँ पर घुसा था, और उस दिन के बाद से अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो उस पर फाइन लग सकता है बहुत ज्यादा और उसे हमेशा के लिए बैन भी किया जा सकता है और जेल में भी डाला जा सकता है। ये सुनकर साइतामा के पसीने छूटने लग जाते हैं क्योंकि चेलेंगो बनकर यहाँ पर आ रखा है और अगर ये पकड़ा गया तो चेलेंगो को 3-4 साल का बैन लग जाएगा। अब इसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर गारो सोलफेस के साथ साथ बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और अचानक से गारो वहाँ पर बोलता है, बहुत हो गया, मैं बोर हो चुका हूँ यहाँ पर, मेरी पावर्स यहाँ पर वेस्ट हो रही हैं। और फिर गारो उन सभी को कहता है, मैं तुम सभी को चैलेंज करता हूँ, आओ मुझसे लड़ो। और इसने सभी लोगों को बुरी तरह से मार गिराया, इसलिए गारो से डरकर सोलफेस और बाकी स्टूडेंट्स ने वो डोजो छोड़ दिया। अब अगले सीन में हमें सुपर फाइट टूर्नामेंट का एक रूम दिखाया जाता है और बादशाह खटखटाते हुए कहता है, अबे ओ चेलेंगो जल्दी बाहर आ, जहाँ पर साइतामा अपनी विग पहनकर बाहर आता है और टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। कमेंटेटर बोलता है, सुपर फाइट टूर्नामेंट के सभी कंटेस्टेंट्स अरीना में आ रहे हैं। और सबसे पहले क्लास ए का 19th रैंक वाला हीरो लाइटिंग मैक्स वहाँ पर आता है जो कि इस फाइट में पहली बार हिस्सा ले रहा होता है। फिर बिजली की तरह तेज अटैक करने वाली ये छुटकी भी वहाँ पर आ जाती है और फिर क्लास ए के लोएस्ट रैंक वाले हीरो और ऐसे ही बहुत सारे अजीब अजीब हीरोज के नाम लिए जाते हैं। और फिर आखिरी में आता है हमारा साइतामा यानी कि चेलेंगो और उसे देखकर सभी लोग बू बू करने लग जाते हैं, बू बोला मैंने। अब इसके बाद 2 बार का चैंपियन बाकुजान वहाँ पर आता है और 4 बार चैंपियन सुइरियो, ये दोनों बंदे भी वहाँ पर आ जाते हैं। और इस तरफ एक बंदे को साइतामा पर शक हो जाता है और उसे साइतामा एक न्यू कमर लगता है और साइतामा को फाइट छोड़कर भाग जाने के लिए बोलता है घर पे, लेकिन साइतामा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और कहता है, अबे तू जो मर्जी बोल ले,
मैं ही जीतने वाला हूँ। अब इस तरफ टूर्नामेंट में पहला मुकाबला लाइटनिंग मैक्स और रिंग रिंग के बीच में होता है, लेकिन मैक्स उसे बहुत ही आसानी से नॉकआउट कर देता है और जीत जाता है। अब दूसरा मैच शुरू होने वाला होता है, जो कि ज़ाकोस और चेलेंगो यानी कि साइतामा के बीच में होने वाला है। ज़ाकोस गुस्से में साइतामा की तरफ ही देख रहा होता है और मन में सोचता है, मैं इसे मार डालूंगा, आज नहीं बचता ये मेरे हाथों से। अब मैच शुरू हो जाता है और साइतामा की हल्के से हाथ पड़ने से ही ये ज़ाकोस बेहोश हो जाता है। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कमेंटेटर भी बोलता है, अरे दर्शकों ये क्या देख रहे हैं हम, साइतामा ने उसे एक ही पंच में मार दिया, ये कैसे हो सकता है, लगता है बंदा ही इतना कमजोर था कि इसका एक पंच भी सहन नहीं कर पाया और साइतामा इस मैच को जीत जाता है। अब इसके बाद सूर्यु और लाइटनिंग मैक्स के बीच में मैच होता है और इसके बाद इन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और सूर्यु मैक्स को एक ही झटके में ढेर कर देता है। सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आकर बताता है उन्हें कि एरिना के पास बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं, तो उन्हें जल्दी से इस जगह को खाली करना पड़ेगा। जेनोस भी देखता है ऑडियंस में बैठा हुआ कि वो मॉन्स्टर्स सिटी सी में भी आ चुके हैं, जहां पर ये टूर्नामेंट अभी चल रहा है, और उसने इस बात को साइतामा को बताने के बारे में सोचा, लेकिन फिर वो सोचता है कि वो खुद ही सभी मॉन्स्टर्स को मार देगा ताकि साइतामा इस टूर्नामेंट पर फोकस कर सके। और साइतामा यहां पर ये वासिया मार रहा होता है, साइतामा बहुत ज्यादा बोर हो रहा होता है। अब जेनोस बाहर जाता है और इन मॉन्स्टर से फाइट करने लग जाता है। जेनोस अपना इलेक्ट्रिक अटैक यूज करता है और एक एक करके उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। और इस तरफ अरीना के अंदर मैचेस कंटिन्यू चल रहे होते हैं, एक से एक शक्तिशाली लोग टूर्नामेंट में आते हैं और फाइट करते हैं और जीतने वाले कंटेस्टेंट्स फाइनल्स की तरफ बढ़ते जा रहे थे। और अब इसके बाद सोलफिस और जैकरमैन के बीच में एक फाइट होती है और ये दोनों ही एक दूसरे से डरे हुए थे बहुत ज्यादा। सोलफिस देखता है कि जैकरमैन की बॉडी बहुत ज्यादा ही बड़ी है और ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा और ये पहलवान सोच रहा होता है, भाई ये कितना डरावना चेहरा इसका। और सोलफिस अब घबराने लग जाता है कि वो हार जाएगा इस फाइट में, लेकिन आखिर में सोलफिस जीत जाता है इस मैच को। और साइतामा सोलफिस के पास आता है और उसे बोलता है, अरे सॉरी यार तेरा जब मैच था ना मैं बाथरूम चला गया था तब मैं तेरा मैच देख नहीं पाया। अब अगला मैच साइतामा का बाकुजान से होता है और सोलफिस ने साइतामा को थोड़ा सा समझाने की भी कोशिश की थी कि कैसे कैसे उसे फाइट करनी है, लेकिन साइतामा अपनी बेल्ट बांधने में लगा होता है और उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। और अब रिंग में भी जब बाकुजान उसे बता रहा होता है साइतामा को कि वो कैसे साइतामा की पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देगा, साइतामा अपनी बेल्ट बांधने में बिजी होता है और कमेंट्री करने वाला बोलता है, बाकुजान इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसकी टीम पहले से ही एक स्ट्रेचर तैयार रखती है ताकि उससे मार खाने वाला इंसान तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचकर जिंदा रह सके। और अब जैसे ही बाकुजान ने साइतामा के सिर पर हाथ रखा, साइतामा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, एक पंच में बाकुजान को रिंग के बाहर फेंक दिया। सब ये देखकर शॉक रह जाते हैं और किसी को भी भरोसा नहीं होता कि लप्पूस आदमी इतना ज्यादा स्ट्रांग है और साइतामा ने उसे इसीलिए मारा था ताकि उसकी विघ्न निकल जाए। अब इसके बाद हम शहर में दिखते हैं जहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने तबाही मचा रखी थी। मॉन्स्टर्स हॉस्पिटल जेल और बाकी सभी पब्लिक प्लेसेस पर अटैक कर रहे थे और एक मॉन्स्टर जेल में पूरी पूरी प्रिजनर को मारने गया था, लेकिन बाकी के कैदियों से बताते हैं कि पूरी पूरी पहले ही जेल तोड़कर भाग चुका है। और इस तरफ स्नेक सूर्यु पर अटैक करता है, जहां पर ये सूर्यु एक अटैक में ही स्नेक को ढेर कर देता है। और दूसरी तरफ साइतामा वॉशरूम में होता है और उसे बाहर बहुत तेज आवाज सुनाई देती है और सोचता है ये क्या, बाहर कुछ एक्साइटिंग चल रहा लग रहा है। अब इसके बाद हम ओरोची नाम के एक बहुत विशाल से मॉन्स्टर को देखते हैं और ये बंदा मॉन्स्टर एसोसिएशन का लीडर भी होता है और इस बंदे को मॉन्स्टर किंग भी कहा जाता है। और इसका एक साथी पार्टनर उसे बताता है, माय लॉर्ड हमारे मॉन्स्टर्स ने पूरे शहर में आतंक मचाकर रख दिया। और इस तरफ शहर में हम लोग देखते हैं कि सभी के सभी मॉन्स्टर्स ने इंसानों पर हमला कर दिया है और इस तरफ टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ चार लोग बचते हैं आखिरी में, जो कि उस टूर्नामेंट में आगे जाएंगे। और साइतामा चेंजिंग रूम में होता है और अपनी विक को देख रहा होता है और तभी सोलफिस वहां पर आ जाता है और साइतामा को बताता है कि उसका अगला मैच चोजे से होने वाला है और ये एक नंबर का जल्लाद है। अब इसके बाद साइतामा और चोजे का मुकाबला होता है। ये दोनों अरीना में आते हैं और चोजे साइतामा से बोलता है, जैसे तुम एक पंच से लोगों को हराते हो मैं तड़पा तड़पा कर मारता हूं, और बेटा तेरा तो मैं अंडा फोड़ने वाला। वो ऐसा बोल ही रहा था कि तभी साइतामा उवासी लेते हुए एक पंच मारकर चोजे को हवा में उड़ा देता है। और अब फाइनल राउंड में साइतामा का मुकाबला सूर्यु से होने वाला है और सूर्यु साइतामा के फेस पर एक पावरफुल लात लेकर आता है पर उसे रोक देता है और फिर ये बंदा साइतामा पर एक ऐसा वार करता है कि साइतामा रिंग के अंदर धस जाता है। सभी को लगता है कि साइतामा अब बाहर नहीं आ सकता और सूर्यु मैच जीत गया है, लेकिन साइतामा बहुत ही आसानी से उसमें से बाहर आ जाता है। सोलफिस को लगता है कि अगर साइतामा ऐसे ही डटा रहा तो शायद से जीत सकता है, मगर लाइटनिंग मैक्स बोलता है, नहीं ध्यान से देखो उसे, सूर्यु साइतामा पर बहुत ही हल्के से हमला कर रहा है, ये उसकी फुल पावर बिल्कुल भी नहीं है। और सूर्यु देखता है कि साइतामा को फाइट करनी आती है और उसके अंदर एक असली फाइटर मौजूद है। वो पूछता है उससे, अबे ओ दिन में क्या करता है तू, जिस पर साइतामा उसे बोलता है, घूमता हूं मॉन्स्टर्स को मारता हूं और बीजीएमआई खेलता हूं। और सूर्यु साइतामा के सिर पर धमाकेदार किक मारता है जिससे कि साइतामा की विग उड़कर नीचे गिर जाती है और वो उसी गुस्से में सूर्यु को एक पंच मार देता है, लेकिन उस पंच के लगने से पहले ही वो खुद को रोक लेता है और उसकी शॉक वेव से सूर्यु के कपड़े फट जाते हैं। और अब लोगों को पता चल गया था कि साइतामा एक विग पहनकर यहां पर आया था और असली में ये एक गंजू है, लेकिन क्योंकि कोई साइतामा को नहीं जानता होता तो वो उसे अभी चेलेंगो ही समझते हैं। जजेस इस पर डिस्कशन करते हैं और बताते हैं कि पिछली बार के इंसिडेंट की वजह से टूर्नामेंट में फाइटर्स को किसी भी तरीके की एक्सेसरीज पहनने पर रोक लगाने का एक लॉ बनाया गया था और चेलेंगो ने उस लॉ को विग पहनकर तोड़ दिया है, जिसकी वजह से इसे तुरंत ही टूर्नामेंट से निकाला जाता है और सूर्यु को विनर घोषित कर दिया जाता है। सोलफिस को देखकर बहुत बुरा महसूस होता है कि चेलेंगो एक गंजा होने की वजह से बेचारा डिस्क्वालीफाई हो गया, लेकिन स्नेक उसे देखकर पहचान लेता है कि ये साइतामा है, क्लास बी का हीरो। और तभी सूर्यु अचानक से साइतामा से दोबारा से फाइट करने के लिए आ जाता है और बोलता है, नहीं मैं तुम्हें खत्म किए बिना नहीं रुकूंगा। सूर्यु के अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उससे आधी रिंग टूटकर हवा में
उड़ जाती है और साइतामा उसी पर चिपक जाता है और सूर्य उछलकर इतने तेज पंचेस मारता है कि रिंग वापस से अपनी जगह पर आ जाती है। लेकिन साइतामा को एक खरोंच तक नहीं आती है उसके हमलों से। सारी ऑडियंस और कमेंटेटर्स सूर्य के लिए चीयर अप कर रहे होते हैं क्योंकि किसी को भी जरा सी भी उम्मीद नहीं होती कि साइतामा जीत पाएगा। सूर्य के गुस्से से आधी रिंग टूट जाती है लेकिन साइतामा के बस गोल घूमने की वजह से ही उसके हिप्स से ये सूर्य टकरा जाता है और सामने वाली दीवार में घुस जाता है। सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं और अनाउंसर इस अटैक को हिप थ्रस्टर नाम देता है। लेकिन इस मूव की वजह से साइतामा की पैंट नीचे गिर जाती है और हम देखते हैं कि साइतामा ने फूलों वाला अंडरवियर पहन रखा होता है और सभी लोगों को उसकी दिल वाली ये अंडरवियर दिख जाती है। और तभी टूर्नामेंट के बॉडीगार्ड्स वहां पर आ जाते हैं साइतामा को पकड़ने के लिए और साइतामा अपनी पैंट संभालते हुए वहां से भागने लगता है। और अब सूर्यो के जीतने पर ट्रॉफीज और पैसे दिए जा रहे हैं लेकिन फिर भी उसके दिमाग से साइतामा नहीं जा रहा होता और वो जानता था कि असल में साइतामा ने उसे हरा दिया है। अब अनाउंसर सभी को न्यूज बताता है कि एरिना के बाहर पूरे शहर में मॉन्स्टर्स फैल चुके हैं मगर लोगों को उनसे कोई भी चिंता नहीं होती क्योंकि वो जिस जगह पर भी हैं वहां पर दुनिया के सबसे टॉप मार्शल आर्टिस्ट लोग मौजूद हैं। और सूर्यो अपने पास खड़ी एक लड़की से फ्लर्ट करने लग जाता है और तभी कुछ लोग कुछ मॉन्स्टर्स को देखते हैं आसमान में उड़ते हुए और उन्हें देख कर चिल्लाने लग जाते हैं और तीन बड़े क्रो जैसे मॉन्स्टर्स रिंग के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। सब देखते हैं कि उनके हाथों में तीन बेस्ट हीरोज घायल पड़े हुए हैं और ये सब देखकर एक अनाउंसर वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसके सामने गुकेत्सु आ जाता है और उसे भागने से रोक लेता है। ये बंदा साइज में इतना ज्यादा बड़ा होता है कि सभी लोग उसे देख कर ही डर जाते हैं। अब ये बंदा उन सभी हीरोज के सामने आता है और उन सभी से कहता है, यहां से अब कोई नहीं जा सकता, सबको मॉन्स्टर बनना पड़ेगा। स्नेक और लाइटनिंग मैक्स उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि ये इन्हें रोक लेंगे मगर गुकेत्सु एक लात मारकर दोनों हीरोज को हवा में उड़ा देता है और उसका नाम सुनते ही सारे फाइटर्स हैरान रह जाते हैं। और अनाउंसर बताता है कि ये फर्स्ट चैंपियनशिप का विनर है। दरअसल 3 साल पहले ये बंदा एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी लेकिन वो मॉन्स्टर उसे मारने की बजाय उसे उठाकर मॉन्स्टर एसोसिएशन में लेकर आ गया जिससे कि सबको लगा कि ये बंदा मर चुका है। और वहां पर उसे एक ऑफर मिलता है कि अगर ये अपनी इंसानियत छोड़कर एक मॉन्स्टर बन जाता है तो वो लोग इसे जिंदा छोड़ देंगे और मॉन्स्टर बनने की वजह से इसे अपनी लिमिट से बहुत ज्यादा पावर मिल जाती है। और अब इस बंदे में ऐसी एनर्जी आ चुकी है कि अब खुद भी दोबारा से इंसान नहीं बनना चाहता। अब ये बंदा अपने अंदर से कुछ मॉन्स्टर सेल्स को बाहर निकालता है और फाइटर्स के सामने फेंक कर कहता है, तुम भी इसे खाकर एक मॉन्स्टर बन जाओ क्योंकि मना करने पर तुम सभी लोग मारे जाओगे। अब उसकी बात सुनकर एक फाइटर डर जाता है और उस मॉन्स्टर सेल को खा लेता है और ये बंदा एक मॉन्स्टर बन जाता है। वो सामने पड़े हुए डेव नाम के एक फाइटर को दिखता है जिसने मैच में उसे हराया था पहले भी और वो उस पर हमला कर देता है और वो आगे कुछ करता इससे पहले ही चोजे वहां पर आ जाता है और उसका गला मरोड़ कर खत्म कर देता है उसे। चोजे के जीन्स दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल थे और फिर चोजे भी वो सेल उठा लेता है और कहता है, अब मेरे अंदर की असली पावर्स जाग जाएंगी। और वो भी उस सेल को खा लेता है और चोजे एक लाल कलर का मॉन्स्टर बन जाता है और इस बंदे के डेविल जैसे सींग भी उग जाते हैं। और अब उस मॉन्स्टर से डरकर तीन और फाइटर्स भी उस सेल को खा लेते हैं और अब सीरियो सोलफेस और कुछ ही फाइटर्स बचे थे जिन्होंने उस सेल को अभी तक नहीं खाया था। अब सूर्य उस लड़की के पास आता है जिससे पहले फ्लड कर रहा होता है और वो लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और सूर्य उसके पास आता है और उसे बोलता है, ओए कुड़िए, अगर मैं इन मॉन्स्टर्स को हरा दूं तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। और ये लड़की बहुत ज्यादा घबराई होने की वजह से ये हां कर देती है और फिर वो उन सभी मॉन्स्टर्स बने फाइटर्स को एक एक वार में ढेर कर देता है। फिर उसकी फाइट चोजे से होती है। चोजे अपनी सींग से सूर्य पर हमला करता है जिससे कि सूर्य बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दोनों में बहुत ही टफ फाइट होती है जिसके बाद चोजे अपने दोनों सींगों के बीच एक इलेक्ट्रिक बॉल जैसी कुछ बनाता है और सूर्य पर हमला कर देता है। सूर्य बहुत ज्यादा जोर लगाकर किसी तरह उसके अटैक को रोक लेता है और फिर चोजे के दोनों सींगों को तोड़कर उस पर इतने तेज अटैक्स करता है कि चोजे बुरी तरह से हार जाता है। गुगेत्सु सूर्य की पावर को देखकर बहुत इंप्रेस हो जाता है और उसे भी एक मॉन्स्टर बनने के लिए बोलता है जिससे कि वो मिलकर पूरी दुनिया को मॉन्स्टर्स बना सके और कब्जा कर ले। लेकिन सूर्य उसके इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और सूर्य उस सेल को गुगेत्सु के ऊपर फेंक देता है। सूर्य फिर इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन गुगेत्सु के एक पंच से ही सूर्य खूनम खून होने लगता है। अब गुगेत्सु सूर्य को गिराकर उस पर अपना पैर रख देता है और कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन सूर्य उसका पैर उठा लेता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन कुछ ज्यादा नहीं होता और अब सूर्य इतना ज्यादा घायल हो जाता है कि उसमें अब खड़े होने की ताकत भी नहीं होती। और अब ये बंदा मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है लेकिन इस वक्त ये बंदा एरिना में था और इसे सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था और सभी के सभी हीरोज भी बाकी के जो मॉन्स्टर्स थे उनसे लड़ने में बिजी थे। और तभी सूर्य को अपने सामने एक बंदा दिखाई देता है और वो भी वहां पर आ जाता है सूर्य को मारने के लिए। लेकिन तभी साइतामा वहां पर आ जाता है और फिर साइतामा सूर्य के पास जाता है और उसे कहता है, तुमने अच्छी फाइट की मेरे दोस्त, अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और ये जो बंदा था ये बाकुजान था जिसे हमने अभी पहले देखा था और बाकुजान साइतामा को लात मारता है लेकिन साइतामा को उसके इस हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बाकुजान उसको एक लात मार के जमीन में दफनाने जाता है और फिर हम देखते हैं कि सूर्य हद से ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि धुआं हटने पर वो साइतामा को देखता है और देखता है कि साइतामा ने एक ही पंच से बाकुजान का आधा शरीर उड़ा दिया है। और सूर्य साइतामा से कहता है, अरे सर जी प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो यार। और साइतामा टेंशन में आकर हंसता है और कहता है अपने मन में, नहीं 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 और नहीं, ये जेनस ने पहले ही मेरा जीना हराम कर रखा है। और साइतामा उसे साफ साफ मना कर देता है। और दूसरी तरफ हम सिटी में देखते हैं कि एक कांटो वाला एक मॉन्स्टर पूरी पूरी प्रिजनर के साथ फाइट कर रहा है और उसे पीछे वाली बिल्डिंग में कई सारे लोग खड़े होकर बोल रहे थे, तुम ये कर सकते हो पूरी पूरी प्रिजनर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और पूरी पूरी प्रिजनर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता इतनी दूर से और उसे लगता है कि ये लोग इससे किस्सी मांग रहे हैं और बोलता है, चिंता मत करो मैं सभी को
प्रैक्टिस दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इस मॉन्स्टर को मारना होगा। और सारे आदमी वहाँ पर खड़े खड़े ये सोच रहे होते हैं, अबे क्या ये बंदा ये बिना कपड़ों के क्यों लड़ रहा है। पूरी प्रिजनर फिर सोचता है कि वो प्यार से किसी भी दर्द को सहन कर सकता है और उस मॉन्स्टर पर अपना एंगल हुक अटैक एक जादू की झप्पी देकर उसे इतना जोर से दबाता है कि उसका दम घुट जाता है और वो मर जाता है मॉन्स्टर। और दूसरी तरफ हमें साइतामा को देखते हैं जो कि अपने घर की तरफ जा रहा होता है और तभी किंग वहाँ पर आ जाता है और साइतामा उसे बताता है कि हाँ भाई क्या चाहिए तुम्हें। और किंग उसे कहता है अरे साइतामा जी क्या हुआ आपको, टेंशन में लग रहे हो। और साइतामा उसे कहता है अरे भाई किंग यार जाओ यार यहाँ से, मैं बहुत टेंशन में हूँ अभी, मेरी जिंदगी में बहुत दिक्कतें चल रही हैं अभी। और किंग साइतामा के बालों को देखकर उसे कहता है साइतामा सर चिंता मत कीजिए, आप इंदुलेखा लगाओ यार उग जाएंगे बाल आपके। और साइतामा उसे बोलता है अबे ओ मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मुझे कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। और साइतामा अपनी जिंदगी से बोर होने लग चुका है और किंग उसे अपने साथ वीडियो गेम खेलने के लिए बोलता है। साइतामा जी मैं आपको अपनी एक ही उंगली से हराऊंगा अब देखना आप। और ये सुनकर साइतामा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और गेम खेलने के लिए मान जाता है। और तभी उनके सामने गारो वहां पर आ जाता है और हम देखते हैं कि गारो की किसी ने बुरी तरह से धुलाई कर दी है और असल में ये गारो वॉच डॉग मैन से पिट कर आ रहा था। उसे लग रहा था कि इस वॉच डॉग मैन को हराना बहुत इजी होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था और गारो खुद किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से भागा है। और अब गारो को अपने सामने किंग आता हुआ दिख जाता है और वो उस पर अटैक करने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन साइतामा उसे आता हुआ देख लेता है और एक लात मारकर उसे साइड में कर देता है। और हम देखते हैं कि ये गारो एक बिल्डिंग के अंदर जाकर घुस जाता है और साइतामा बोलता है ओए किंग ये इंसान तुम्हें मारने आ रहा था, क्या तुम जानते हो इसे कौन है ये। और किंग मना कर देता है और साइतामा बोलता है भाई क्या ये मॉन्स्टर्स कम थे, अब इन चूजों से भी लड़ू हैं। और साइतामा इस बात से बिल्कुल बेखबर होता है कि जिस आदमी को उसने अभी धोया है वही असल में हीरो हंटर गारो है। और दूसरी तरफ हम सोनिक टॉनिक को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के अंदर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि वो जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर ले लेकिन वो साइतामा को कभी नहीं हरा पाएगा, इसलिए अब इसे अपनी इंसानियत को गवाना होगा और एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होना होगा ताकि साइतामा को हरा सके। और अब ये सोनिक टॉनिक उस मॉन्स्टर सेल को अच्छे से पका कर लेकर आ जाता है एकदम मस्त तड़का वड़का लगा के और उसे खाकर ये उम्मीद करता है कि अब ये भी एक मॉन्स्टर बन जाएगा और बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, पर इस तरह से उस सेल को खाने की वजह से इसका पेट खराब हो जाता है और पूरी रात बाथरूम के चक्कर लगाता रह जाता है। और दूसरी तरफ डॉक्टर कुसानो जेनस को भी एक न्यू बॉडी दे देते हैं और बताते हैं कि इस बार उन्होंने बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया है और इसमें AI भी यूज किया गया है जो कि उसकी हेल्प करेगी अपने दुश्मन को मारने के लिए। और दूसरी तरफ हम किंग और साइतामा को देखते हैं जो कि वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं और इन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि बाहर क्या क्या चल रहा है। अभी इस वक्त बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स फाइट कर रहे हैं हीरोज के साथ और साइतामा अभी भी इस किंग से हार ही रहा होता है। किंग साइतामा को ताने मारते हुए कहता है ये लो फिर जीत गया मैं। साइतामा के मूव्स हमेशा ही सेम होते हैं, वो बस बटन्स को जोर जोर से हिट करता है, ना कोई टेक्निक ना कोई स्ट्रेटजी, और इसी वजह से ये किंग उसे बंद आंखों से भी हरा देता है एक ही बटन का यूज करके। साइतामा इससे और भी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और इसका अंडा उबलने लग जाता है और तभी किंग का इमरजेंसी अलार्म बजने लग जाता है जिससे कि साइतामा खुश हो जाता है। चलो ये किंग चलते हैं वहाँ पर, मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ रहा है, आज नहीं बचता कोई भी। और किंग उसे बोलता है अरे साइतामा सर कुछ हीरोज वहाँ पर पहुंच चुके हैं, जब तक हम वहाँ पर जाएंगे ना सारा खत्म हो जाएगा यार ड्रामा। वैसे आपको नहीं लगता आजकल बहुत ज्यादा ही मॉन्स्टर्स आ रहे हैं बाहर। और इस तरफ जेनोस भी उन मॉन्स्टर से लड़ने की वजह से बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर किंग साइतामा से पूछता है अरे साइतामा सर ये जेनोस कहाँ पे है, जिस पर साइतामा को कुछ भी आइडिया नहीं होता। अब इसके बाद हम सिल्वर फैंग और गारो को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं और गारो बहुत ज्यादा थका हुआ होता है लेकिन वो फैंग से लड़ने के लिए बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारता और अपनी पूरी पावर का यूज करता है। और फैंग भी उसके टीचर होते हैं इसलिए वो उसे साबित करते जाते हैं कि एक चेला कभी भी अपने गुरु से नहीं जीत सकता। और जेनोस भी वहां पर होता है और दूर से खड़ा हुआ देख रहा होता है उन सभी को और उसे पता होता है कि जीत किसकी होने वाली है क्योंकि सिल्वर फैंग गारो को अपने ऊपर हमला करने का मौका ही नहीं दे रहे होते और लगातार उसे मारते जाते हैं। गारो खुद भी सोचने लग जाता है कि इस बुड्ढे में बहुत ज्यादा ही ताकत है। फैंग अपना बहुत पावरफुल पंच करने आते ही है कि गारो उनके बीच से निकलकर वॉच डॉग मैन की स्टाइल से लड़ने लग जाता है और तभी बॉब भी वहां पर आ जाता है और उसे बहुत जोर से किक मारते हैं और बोलते हैं तुम अब मरने वाले हो। और तभी आसमान में हम एक बर्ड मॉन्स्टर को देखते हैं और वो इस फाइट को आसमान से उड़ते हुए देखता है। अब फैंग और बॉम्ब मिलकर गारो पर हमला करते हैं और गारो सोचता है भाई कितने बेशरम लोग हैं यार ये एक घायल पर हमला कर रहे हैं और वो सोचता है कि अगर वो किसी तरीके से इनको हरा भी देगा तो जेनोस उसे यहां से बचकर नहीं जाने देगा। तो अब गारो के पास कोई भी चारा नहीं बचा है और अब ये मरने वाला है और गारो का आखिरी रास्ता इन तीनों को मार डालना ही होता है लेकिन उसमें अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची होती। और फैंग उसे कहता है मैं तुमसे बहुत परेशान था, अपने स्टूडेंट्स का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। और ऐसा बोलकर फैंग उसे बहुत बुरी तरह से मारने लग जाता है और तभी सीन पास्ट में जाता है और गारो को उसका बचपन दिखाई देने लग जाता है। गारो को छोड़कर सभी बच्चे एक हीरो बनना चाहते थे और हीरो और मॉन्स्टर वाला नाटक भी खेलते थे जिसमें हर बार गारो को एक मॉन्स्टर बनाया जाता था क्योंकि वो एक कमजोर और अकेला लड़का था। और गारो को क्लास के सभी बच्चे धीरे धीरे बुली करने लग जाते हैं और बड़ा गारो इस पर सोचता है ऐसा नहीं था कि मुझे एक मॉन्स्टर बनना अच्छा लगता था, मैं तो एक हीरो बनना चाहता था लेकिन सभी लोग हमेशा मुझे एक मॉन्स्टर बनाया करते थे। और फिर एक दिन गारो एक पॉपुलर लड़के को चैलेंज करता है जो कि हमेशा हीरो बनता था और तभी ये बंदा अपने दोस्तों को कहता है कि गारो को पकड़ लो और गारो को बुरी तरह से मारता है और सभी लोग गारो से माफी मंगवाते हैं और उसके बाद गारो खुद को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लेता है कि कोई भी उसके सामने ना टिक पाए और उसे अब कमजोर लोगों से नफरत हो जाती है। और प्रेजेंट में गारो में दोबारा से पावर आ जाती है और इतनी जोर से जमीन पर एक हमला करता है कि उसके आसपास की पूरी जमीन खिसक जाती है। फैंग बॉब और जेनोस भी ये देखकर चौंक जाते हैं और तभी जेनोस उन्हें अपने ऊपर देखने को कहता है और हम देखते हैं कि एक कलरफुल बर्ड वहां पर आ चुका है और गारो को उठाकर अपने साथ उड़ाकर लेकर जाने लगता है। जेनोस उन्हें रोकने के लिए अपनी लेजर बीम चलाने लगता है लेकिन फैंग के मना
करने के बाद भी वो शूट कर देता है। बर्ड मॉन्स्टर इससे पहले चिल्ला देता है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम अपना काम करो। और इतने से जमीन में से एक सेंटीपीड जैसा एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और बर्ड मॉन्स्टर को बचाने के लिए जेनोस की भीम के सामने आ जाता है, लेकिन उससे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बॉब उसे देखकर शॉक रह जाता है, आखिर ये चीज क्या है। और हम देखते हैं कि सेंटीपीड हद से ज्यादा बड़ा होता है और अपनी पूरी बॉडी को जमीन से बाहर निकालने लग जाता है, जिससे कि वो जमीन टूटने लग जाती है। और अब सोचने लग जाते हैं कि इस मॉन्स्टर को वो लोग कैसे हराएं। और अब गारो उस मॉन्स्टर से कहता है, मुझे बचाने क्यों आए तुम। और बर्ड मॉन्स्टर से कहता है, चिंता मत करो, वो सेंटीपीड उसे देख लेगा। और गारो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लग जाता है और बोलता है, नहीं, उनसे मैं ही लड़ूंगा, तुम मेरे बीच में दखल दे रहे हो। और बर्ड मॉन्स्टर से कहता है, आज ये सेंटीपीड इन्हें खत्म कर देगा। और अब ये सेंटीपीड मॉन्स्टर एसोसिएशन का एक मेंबर बन चुका है और अब उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, सभी हीरोज को खत्म करना। और अब वो तीनों सेंटीपीड से लड़ने के लिए आगे आते हैं और सबसे पहले जेनोस अपनी बीम्स को सेंटीपीड के फेस और उसकी बॉडी पर मारता है और फिर फेंग और बॉब अपनी स्पेशल टेक्निक्स को मिलाकर उस पर हमला करते हैं और उसकी पूरी की पूरी बॉडी को घुमाते हैं और उस पर पावरफुल पंचेस करने शुरू कर देते हैं, जिससे कि उस सेंटीपीड की बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं और सबको लगता है कि ये खत्म हो गया है। लेकिन पूरी तरह से टूटने के बाद भी सेंटीपीड के अंदर की हड्डियां बची होती हैं और उसका फेस दोबारा से आ जाता है। तीनों हीरोज ये देखकर हैरान रह जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि ये लोग इस मॉन्स्टर को कैसे हराएं, क्योंकि वो लोग जो भी कर सकते थे वो ये ऑलरेडी कर चुके हैं। और वो देखते हैं कि सिटी भी पास में ही है और अगर ये चीज वहां पर पहुंच गई तो बहुत ज्यादा तबाही मचाएगी। और जेनोस बोलता है कि वो इस मॉन्स्टर को संभालेगा और फेंग और बॉब से शहर को खाली कराने के लिए कहता है और तब तक ये खुद उस मॉन्स्टर से फाइट करने के बारे में सोचता है ताकि ये सिटी तक ना जाए। फेंग उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हें जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए जेनोस। और ये सुनकर जेनोस को उस डॉक्टर की कही हुई बात भी याद आ जाती है, जिन्होंने भी उसे यही कहा था, तुम्हें इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। लेकिन जेनोस उनकी बातों को इग्नोर करता है और सेंटीपीड की तरफ जाता है उड़ता उड़ता और उस पर अटैक करने लग जाता है। फेंग पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, तुम सुसाइड करना चाहते हो, रुक जाओ जेनोस, ऐसा मत करो। लेकिन जेनोस उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और सेंटीपीड पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके फेस पर पहुंचकर कई सारे लेजर बीम्स चलाता है, लेकिन सेंटीपीड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये मॉन्स्टर जेनोस का एक पैर तोड़ देता है, लेकिन फिर भी जेनोस हार नहीं मानता और अब ये सेंटीपीड जेनोस को पकड़ लेता है और उसे बीच में से काट देता है। जेनोस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वापस अपनी बॉडी को जोड़कर सेंटीपीड के दांतों को तोड़कर उसके मुंह में चला जाता है और उस सेंटीपीड के मुंह में ये बंदे ने अपना एसिड रिलीज करना शुरू कर दिया और जेनोस को पिघलाने की कोशिश करने लगता है और बोलता है, अब तुम मारे जाओगे। पर जेनोस की हार मानने वालों में से नहीं था और अपने सबसे पावरफुल ब्लास्ट से सेंटीपीड की बॉडी के अंदर ही अटैक कर देता है। ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो सेंटीपीड के मुंह को चीरता हुआ बाहर निकलता है। सेंटीपीड इससे चिल्लाता है, जेनोस बाहर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। वो जैसे तैसे करके अपनी आंखें खोलता है और धुआं हटने के बाद देखता है कि सेंटीपीड को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा है। और अब सेंटीपीड जेनोस पर अपने एक नुकीले से ब्लेड से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फेंग वहां पर आता है और उसे जल्दी से वहां से हटा देता है और बोलता है, हमें यहां से भागना होगा। अब फेंग और बॉब जेनोस को उठाते हैं और वहां से भागने लग जाते हैं, लेकिन ये सेंटीपीड उनका पीछा करना नहीं छोड़ता। अब फेंग अपनी शर्ट उतारता है और बोलता है, अब मैं अपनी पूरी ताकत लगाने वाला हूँ, भले ही इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और तभी दूसरी साइड पर किंग वहाँ पर आ जाता है और बहुत ही डरते डरते उस सेंटीपीड को अपनी तरफ बुलाता है और एक माइक के जरिए सेंटीपीड को ललकारता है और कहता है, अबे ओ सेंटीपीड, इधर आ इधर, दमनदर में इधर आ इधर। अब फेंग और जेनोस उसकी आवाज को पहचान लेते हैं और समझ जाते हैं कि किंग है और हेडक्वार्टर में भी सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि किंग यहाँ पर आ चुका है और अब तो इसे आराम से मार देगा। सेंटीपीड का ध्यान भी किंग की तरफ आ जाता है और तेजी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे जैसे ही सेंटीपीड उसके पास आता है, किंग की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है और इसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। और ये सेंटीपीड जैसे ही किंग के पास आता है, साइतामा सेंटीपीड के सामने आता है और उसे एक पंच मार देता है। दरअसल ये साइतामा और किंग का ही प्लान होता है कि किंग मॉन्स्टर को शहर से दूर लेकर आएगा और साइतामा फिर उसे मार देगा। और अब साइतामा का पंच पड़ते ही सेंटीपीड मर जाता है और पल भर में ही उस विशालकाय मॉन्स्टर की मौत हो जाती है और पूरा शहर तबाही से बच जाता है। जेनोस साइतामा को देखता है और अपने मास्टर के पास आता है। किंग देखता है कि साइतामा बहुत रिलैक्स फील कर रहा है, जिस पर साइतामा उसे बताता है कि किंग, लगता है उस गेम की वजह से ना मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस में आ गया था, पर मैं ठीक हूँ। और अब जेनोस साइतामा से पूछता है कि मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई है कि मैं इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रहा, जिस पर साइतामा उसे कहता है, पावर। और जेनोस इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और बहुत इंस्पायर्ड हो जाता है और बोलता है, थैंक यू मास्टर, आपने मुझे एक सही राह दिखाई है, मैं आपका आभारी रहूंगा और मैं एक ना एक दिन आपके जितना ही स्ट्रांग बनकर दिखाऊंगा आपको, शुक्रिया शुक्रिया गुरुजी। और ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।